मैं नेगी जी से अनुरोध करूंगा सरकार आलोचना करें। हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कमल चौधरी और चंचल लोशाली सामूहिक रूप से आपको ये बोलना है 60 वर्ष के बुड्ढे को बधाई दी जा रही है। श्री जगमोहन सोनी मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के अधिव्यवस्था पूर्ण करने पर इस विदाई समारोह में अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए मुझे निर्देश दिए गए हैं। मैं आप सभी के सम्मुख इसका वाचन कर रहा हूँ। सर्वे शिक्षा विभाग के लगभग 3.5 दशक की प्रशंसनीय अनुकरणीय एवं अतुलनीय सेवा के पश्चात आपका सेवा अवकाश ग्रहण सेवानिवृत्ति करके विदा होना, जहाँ एक ओर विचारों की अनुभूतियों से हम विषाद का अनुभव कर रहे हैं, वही एक कुशल प्रेरणास्पद सेवाकाल पूर्ण होने की संतुष्टि का गरिमामय अनुभव हमें गौरव से भर रहा है। लेकिन एक न एक दिन प्रत्येक के जीवन में ये क्षण आते ही हैं, यही सोचकर मन संतुष्ट कर लेते हैं। स्वर्गीय श्री मनमोहन सोनी तथा श्रीमती प्रकाश सोनी जी के घर जन्मे पुत्र को एक दिन शिक्षा और समाज के लिए इतना मान प्रतिष्ठा और प्रेम मिलेगा उस समय कौन जानता था। जनपद रामपुर से जीवन प्रारंभ होकर आपका शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना आपके व्यक्तित्व में विशालता और भव्यता भरता गया। एक सुसंस्कृत पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के साथ आपके व्यक्तित्व में जहाँ भव्यता आई, वहीं आपके विभिन्न कार्यस्थलों पर कार्यशैली के व्यापक अनुभव से लाभान्वित छात्र छात्रा और सामाजिकता का रुझान आप में भर दिया। दिनांक 3 जुलाई 1990 को जवाहर नवोदय विद्यालय मुजफ्फरपुर में आपका शिक्षा विभाग में पदार्पण प्रथम नियुक्ति के रूप में प्रवक्ता रसायन विज्ञान के पद पर हुआ। इसके साथ साथ भागलपुर, उड़ीसा, मुरैना एवं मेरठ में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। दिनांक 30 मार्च 1999 को राजकीय इंटर कॉलेज देवाथल पिथौरागढ़ के रूप में आपने प्रधानाचार्य के शोभनीय पद पर कार्यभार ग्रहण किया। उसके पश्चात राजकीय इंटर कॉलेज भीमताल, राजकीय इंटर कॉलेज दौलतपुर, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुंगा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार, जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर, मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार, मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड एवं वर्तमान में मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल में नए नए आयाम स्थापित किए। आपके मृदुल अति सहयोगी स्वभाव अनुशासन के साथ साथ समय की प्रतिबद्धता ही आपके संपूर्ण सेवाकाल की अति सफलता है। आपके सेवाकाल के ये वर्ष
आपकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, ज्ञान, अनुभव, स्नेह एवं दिए गए कार्यों के त्वरित निष्पादन का प्रतिफल ही है कि आप किसी अवरोध के शानदार और सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं। आज से सबसे आग्रह है कि आप अपनी सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने शेष जीवन में अपने ज्ञान एवं अनुभवों का उपयोग लोक कल्याण वाले कार्यों के साथ साथ ईश्वर आराधना में स्वेच्छानुसार समर्पित रहेंगे। आज जब तक विभाग में रहें, आजाद शत्रु रहें, आदर्श अग्रजा रहें, परम इसमें ही संरक्षक की तरह रहें, आपका आगामी जीवन भी दीर्घायु एवं प्रेरणादायी हो, आपका परिवार समृद्ध एवं सुखी रहे, इसी कामना के साथ हार्दिक अनेकानेक अभिन्न शुभकामनाएँ, शुभकामनाओं, अनंत कामनाओं एवं वंदन अभिनंदन सहित। मैं किचन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनुरोध करूंगा कि आप मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को यह अभिनंदन प्रदान करेंगे।